हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मॉम। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दम आलू, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी मेथड से हम इसे बनाएंगे और बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी, नान, चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, दम आलू बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम आलू, इसको मैंने बॉयल कर लिया है, और दो टमाटर जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है, और एक कप फ्रेश मटर है, इसको हमने बॉयल कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए, और कुछ मसाले हमने तैयार किए हैं, जैसे प्याज हमने कट कर लिया है, और 2 से 3 लाल मिर्च, और 4 से 5 लौंग, एक बड़ी इलायची, कुछ दालचीनी के टुकड़े, और 2 तेज़पत्ता, और कुछ इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम आलू को क्या करेंगे कि फोक से इसे इस तरह से फोक कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी अंदर तक जाए। इससे हमारा दम आलू बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरह से हम सारे आलू को इस तरह से फोक कर लेंगे। तो चलिए पहले हम सारे आलू को पहले फोक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे आलू को हमने फोक कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे तीखा नहीं होगा और देखने में कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे हम फ्राई करेंगे, इसे हम बिल्कुल गोल्डन गोल्डन डीप फ्राई करेंगे, तो इसे हमारा आलू दम में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए इसे हम पहले फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है और मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। अगर आप ये सरसों तेल नहीं खाते हो, जो भी तेल खाते हो आप उसमें बना सकते हैं। और इसमें हम आलू को फ्राई कर लेंगे। इसे गोल्डन, जिससे इसका कलर ना आ जाए, अच्छे से आलू को हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम अलग प्लेट कर लेंगे। अच्छा, अभी आलू हमारा और फ्राई होगा। 2 से 3 मिनट से और हम फ्राई करेंगे, जब तक कि बिल्कुल गोल्डन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आलू हमारा हो चुका है, आलू बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, फ्लेम को स्लो कर देंगे और इस आलू को पहले हम निकाल लेंगे। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाही, उसमें हम पहले तेल को गर्म कर लेंगे। तीन से चार चम्मच के करीब में हम तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 4 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 4-5 लौंग। इसे हम पहले 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। तो जीरा हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक प्याज हमारा बिल्कुल गोल्डन ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, प्याज हमारा भी और भुनेगा। तब तक इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें हम डाल देंगे, और इसे भी प्याज के साथ ही 2 से 3 मिनट तक हम इसे भी भून लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज और अदरक हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और
आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे एक मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। इसमें डालेंगे हम टोमेटो प्यूरी और इसे अच्छे से हम, अब टोमेटो प्यूरी डालने के बाद हम फिर डालेंगे इसमें नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे, जितना नमक हमें खाना है उसके अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। जब तक कि हमारा तेल सेपरेट ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से हम पकाएंगे क्योंकि भूनने से ही सब्जी में टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से हम भूनेंगे। तो देखिए मसाले हमारे पक चुके हैं, तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो अमचूर पाउडर ज़रूर डालें इसमें और इसे अच्छे से हम 2 मिनट तक भून लेंगे। इसे 2 मिनट तक अच्छे से हम भूनेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे बटर। बटर को भी 1 मिनट इसके साथ हम मसाले के साथ भूनेंगे अच्छे से, क्योंकि मटर हमारे फ्रेश हैं, इसे हमने ज़्यादा बॉयल नहीं किया है, इसलिए इसे 2 मिनट इसके साथ 1 से 2 मिनट हम इसे भूनेंगे इसके साथ। इसे 2 मिनट तक हम भूनेंगे, इसे ढककर हम 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। मटर हमारा भून चुका है और इसमें हम डालेंगे आलू और इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आपको जितना भी ग्रेवी रखना हो अपने हिसाब से इसमें हम पानी को ऐड करेंगे और इसे दम पर हम पकने देंगे। 2 से 3 मिनट इसे हम अच्छे से पकने देंगे। ढककर पकेगा ये, इसे 2 से 3 मिनट तक हम और पकाएंगे जिससे ग्रेवी हमारे आलू में और मटर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स सब्जी हमारी बनके तैयार है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। तो चलिए ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती और कसूरी मेथी, इसे हम कर करके डालेंगे अच्छे से। इससे हमारी सब्जी में खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चटपटी हमारा आलू दम बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे हम ढक देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे ताकि कसूरी मेथी का टेस्ट जो है हमारी सब्जी में आ जाए। फ्रेंड्स तो 1 मिनट हो गया है, अब हम सब्जी को सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया हमारा सब्जी बनके तैयार हुआ है। आप इस तरह से ज़रूर एक बार बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए। ग्रेवी अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं ग्रेवी कम ही रख रही हूँ, तो आप ग्रेवी को और ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है, इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, इसे ट्राई करें और आपको जब अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सब्जी हमारी रेडी है, थोड़ा सा हम इस पर धनिया पत्ती डालेंगे और फ्रेंड्स सब्जी हमारी दम आलू बनके तैयार है। फ्रेंड्स आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है।
और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।